हल्द्वानी समेत पूरे जिले में कड़ाके की ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। हल्द्वानी स्थित कैंप ऑफिस में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पत्रकारों से बातचीत कर जिले में 100 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में इसको लेकर टीम भी लगाई गई, साथ ही रैन बसेरों को भी पूरी तरह व्यवस्थित किया गया। फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिए कंबल की व्यवस्था की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन से ठंड से बचाव को लेकर बजट भी आया है, जिसे जिले की सभी तहसीलों को दिया गया है, जिसे वह कंबल और अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नगर क्षेत्र में सभी जगह जो हमारी यूएलबीज हैं उनको हमने ईओज को भी और जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि अलाव की पर्याप्त व्यवस्था रखें। लगभग 100 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे जनपद में अलाव की व्यवस्था यूएलबीज के माध्यम से करी गई है। इसके अलावा जो बेसहारा लोग हैं, जो फुटपाथ पर या सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए रैन बसेरों में भी व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरे भी सभी नगर निकायों के द्वारा संचालित भी कर दिए गए हैं। कंबल इत्यादि खरीदने के लिए भी तहसीलों को हमने धनराशि जो शासन से प्राप्त हुई थी वो आवंटित कर दी है। उसमें अलाव जलाने की व्यवस्था है, बेसहारा लोगों के लिए कंबल इत्यादि खरीदने की व्यवस्था है, ये सब कराया जाए। ठीक।